Thank you, Anju. Good morning, everyone. It's great to see you all. Like, I think it's one of the biggest WordCamps I'm attending in India. So I'm glad to be a part of this WordCamp, and thank you for giving me this opportunity. I'm Puneet Sahalot. I run a WordPress design and development agency, IdeaBox Creations. We started as a WordPress services agency, and then we moved into WordPress product development. So उसी process में जो कुछ मैंने सीखा है, I'm trying to share it with you. The recipe of building a WordPress product. So why I'm calling it a recipe and not a process or not a workflow or something else? Technical term क्यों नहीं है? Like, because I'm trying to keep it simple. हम खाने से ज़्यादा चीज़ें easily relate कर पाते हैं. And there are few things which I have learned from my experience. First thing was कि जब हम छोटे होते हैं, हम शायद घर में सबसे पहले चाय बनाना सीखते हैं. We start learning. That's how we start learning. कि आपको अगर कुछ सीखना है, तो घर में सबसे पहले आपको टास्क मिलता है, बेटा आप या तो पानी लेके आ जाओ, या चाय लेके आ जाओ. So जब first time चाय बनाना सीखा था मैंने, तो defaults क्या होते हैं, वो मुझे पता चला था. Like you need to add sugar, water, milk, tea leaves. Boil कर लो उसको थोड़ा सा, और फिर आप चेक करो कि चाय बन चुकी है या नहीं बन चुकी है, और उसके बाद यू सर्व इट. सो ऐसे ही कुछ हुआ था कि वंस देयर वाज सम गेस्ट एट होम एंड एक्साइटमेंट में मैंने बोल दिया कि मैं चाय बना देता हूँ. तो मम्मी ने बोला ठीक है बना दो, हम बैठते हैं बात करते हैं. सो आई वेंट, चाय बना दी, डिफॉल्ट ऐड कर दिए, शुगर, मिल्क, टी लीव्स हो गया और वाटर हो गया, और दो कप्स ऐसे हाथ में लेके मैं बाहर चला गया, टेबल पर रख दिया, और फिर उसके बाद में दो कप्स और लेके बाहर चला गया, टेबल पर रख दिया. अब इस प्रोसेस में मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैंने गलत किया है या सही किया है, बिकॉज माई मॉम वॉज गिविंग मी लुक्स कि ये क्या हो रहा है. कैन एनी वन फिगर आउट कि इसमें क्या गलत हुआ होगा. सो गेस्ट चले गए, उसके बाद में मुझे बताया गया कि दिस इज नॉट हाउ यू सर्व द टी, ट्रे में लेके आना होता है. तो वहां से मुझे कुछ चीजें सीखने को मिली कि प्रेजेंटेशन इज इम्पॉर्टेंट. आप कुछ बना रहे हो, उसे सर्व कैसे कर रहे हो, दैट इज इम्पॉर्टेंट. फिर उसके बाद में मुझे पता चला कि डिफॉल्ट्स तो ठीक है, मतलब आपने शुगर ऐड किया, मिल्क ऐड किया, टी लीव्स ऐड करी, वाटर ऐड किया, सब कुछ ठीक है, बट टू मेक इट बेटर यू कैन ऐड सम मोर थिंग्स. क्या हो सकता है? या इलायची ऐड कर दिया, अदरक ऐड कर दिया, काली मिर्च ऐड कर दिया. तो ये चीज़ और पता चली कि किसी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए हमें डिफॉल्ट्स के अलावा कुछ और चाहिए होता है, वो होते हैं ऑप्शंस. और ऐसा नहीं है कि आप ये सब चीज़ें फर्स्ट टाइम में सीख जाएंगे, इन चीज़ों को सीखने में टाइम लगेगा. जब आप डिफॉल्ट्स को मास्टर कर लेंगे, देन यू विल बी एबल टू स्टार्ट वर्किंग ऑन ऑप्शंस. फिर सेकंड स्टेंस ऐसा हुआ घर में कि मुझे भूख लग रही थी, आई वॉज हंग्री. सो मैंने सोचा मैं कुछ बना लेता हूँ, एंड हमारा यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हंगर किलर जो है वो एक ही है, मैगी. सो मैं किचन में गया, मैगी बना रहा था, एंड उसी टाइम पे माय यंगर सिस्टर वॉकड इन, एंड शी वाज लाइक कि भैया आप क्या कर रहे हो? आई सेड मैगी बना रहा हूँ. शी लुक्ड एट मैगी एंड वाज लाइक, ये ऐसे कोई मैगी बनाता है क्या? मैंने कहा मतलब मैं इतने सालों से यही बना रहा हूँ, कुछ और हो सकता है क्या इसमें? तो शी सेड लेट मी डू इट फॉर यू, यू जस्ट सिट आउटसाइड एंड वेट. फिर उसने कुछ किया, कुछ एड ऑन्स उसके अंदर वापस किए, और फिर उसने मुझे एक वेजिटेबल मैगी बना के दी. सो देन आई रियलाइज कि यू कैन नॉट डू एवरीथिंग, यू नीड टू हैव राइट रिसोर्सेज. मुझे मैगी बनाना आता है, बट मुझे सिर्फ डिफॉल्ट्स ऐड करना आता है उसमें, बट माई सिस्टर न्यू हाउ टू मेक इट बेटर. सो द राइट रिसोर्सेज कैन हेल्प यू मेक थिंग्स बेटर. और थर्ड इंस्टेंस अभी कुछ रिसेंटली ऐसा हुआ था कि आई मेट अ फ्रेंड आफ्टर फ्यू ईयर्स, एंड लंच टाइम पे वी मेट. तो हमने लंच शेयर किया, एंड आई गॉट टू ईट अ वेजिटेबल रायता. तो वेजिटेबल रायता में मुझे पता चला कि वेजिटेबल रायता भी कुछ अलग हो सकता है. लाइक इट वॉज परफेक्टली, वेजिटेबल्स जो थे दे वर परफेक्टली चॉप्ड, और जो बटर मिल्क था, जो हमारा दही था, दैट वॉज परफेक्टली ब्लेंडेड. उसके अंदर जो थोड़ा सा ज़ीरा था और नमक था, दैट वॉज परफेक्ट इन द राइट अमाउंट. तो वहाँ से मुझे एक चीज़ समझने को मिली फिर से कि जो एड ऑन्स होते हैं, जो डिफॉल्ट्स होते हैं, उनका परफेक्ट ब्लेंड होना ज़रूरी है. अगर वो ब्लेंड सही नहीं होता है तो आपका प्रोडक्ट ख़राब हो सकता है, और अगर वो ब्लेंड अच्छा होगा तो आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो सकता है. तो इसी सब
इन्हीं सब चीज़ों से मुझे समझ में आया कि जो प्रोडक्ट बनाने का एक तरीका है, दैट इज़ ऑल्सो अ रेसिपी, दैट्स नॉट अ प्रोसेस. अगर उसको हम रिलेट कर पाएंगे हमारा खाना बनाने की प्रोसेस से, तो विल बी एबल टू मेक इट इन अ बेटर वे. सो द फर्स्ट थिंग इज टॉकिंग अबाउट द इन्ग्रीडियंट्स. नेक्स्ट लाइन. नेक्स्ट. इन्ग्रीडियंट्स जो होते हैं वो हमारे प्रोडक्ट के लिए, वो होती है प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम्स कहाँ से मिल सकती है हमें? प्रॉब्लम्स कुड बी योर पर्सनल प्रॉब्लम्स, लाइक आई एम वर्किंग ऑन समथिंग एंड आई रियलाइज कि यार ऐसा कुछ प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है मार्केट में, दिस पर्टिकुलर फंक्शन इज नॉट अवेलेबल, दिस पर्टिकुलर फीचर इज नॉट अवेलेबल. और आई एम वर्किंग ऑन अ क्लाइंट प्रोजेक्ट एंड आई रियलाइज दैट आई नीड टू बिल्ड समथिंग फॉर दिस पर्टिकुलर क्लाइंट, बट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट दैट आई एम वर्किंग ऑन कैन बी जनरलाइज फॉर अ फ्यू मोर पीपल एंड कैन बी चैनलाइज टू अ लॉट ऑफ यूजर्स. तो एक तरीका वो हो सकता है. इसी तरह से इफ यू हैव हर्ड ऑफ दिस प्लगइन कॉल्ड इजी डिजिटल डाउनलोड्स, राइट? और देयर इज अनदर प्लगइन बाय द सेम डेवलपर, पिपिन विलियमसन का एक और प्लगइन है व्हिच इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्ट कंटेंट प्रो. सो ये दोनों प्लगइन्स इसी टाइप से बने थे. रेस्ट्रिक्ट कंटेंट प्रो केम इनटू एग्जिस्टेंस बिकॉज पिपिन वांटेड टू सेल सम ट्यूटोरियल्स ऑन हिज वेबसाइट्स, अ मेंबरशिप वेबसाइट ही वांटेड टू बिल्ड, एंड ही रियलाइज दैट every other plugin in the market is bloated, it has a lot of functionality, it's complex and not easy to use. So he built Rustic Content Pro, and over the time he kept improving it. There were he was building a few more plugins, then he realized that he wants to sell those plugins. Now he was looking for something with which he could sell those plugins, or us time pe check kiya to he couldn't find anything specifically for selling digital goods. So the idea of easy digital downloads came into existence, and then he built it, and now we know this is probably the best plugin for selling WordPress plugins or themes or any other digital goods through WordPress websites. So the idea can strike anywhere. It can be a personal problem, it could be a client problem, it could be a general problem that you can figure out from a large user base. That's what you need to figure out first when you start working on a product. You should solve a problem. Now I have a problem. I have prepared a list of things ki ye sab cheeze hum kar sakte hain, but how to actually get started on solving that problem. Hum jab chai banate hain, again I will come back to that example, ki hum chai banate hain, hamare paas mein doodh hai aur sari cheeze hain, but you should know ki isko use kaise karna hai, हमें इन सब रिसोर्सेज को यूज़ कैसे करना है, कितना टाइम मुझे इसको बॉयल करना होगा, कितनी क्वांटिटी में हमें चीज़ें यूज़ करनी होगी, देन ओनली वी विल बी एबल टू मेक द राइट टी जो हम सर्व कर सकते हैं. सो द सेम थिंग इज़ विद द प्रोडक्ट्स. आपने प्रॉब्लम लिस्ट कर लिया, नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट प्लानिंग हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. वॉट ऑप्शन यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट रिलीज एंड वॉट ऑप्शन यू आर गोइंग टू एड इन द कमिंग वर्जन ऑफ योर प्रोडक्ट. ये सब प्लान आउट करने के बाद में यू नीड टू फिगर आउट डू यू हैव द राइट रिसोर्सेज और नॉट. मैगी वाले एग्जांपल से जो मुझे समझ में आया था कि रिसोर्सेज होना ज़रूरी है. नाउ आई एम वंडरिंग कि आई कैन थिंक ऑफ अ सैस प्रोडक्ट फॉर वर्डप्रेस और समथिंग वेरी फैंसी, एंड आई रियलाइज कि इसके लिए मेरे पास में स्किल सेट नहीं है. डू आई हैव द रिसोर्सेज, डू आई हैव द टाइम, डू आई हैव द मनी, विल इट बी अ साइड प्रोजेक्ट, विल इट बी अ पर्सनल प्रोजेक्ट, विल इट बी अ फुल टाइम प्रोजेक्ट, वो सब चीज़ें फिगर आउट करना ज़रूरी है. अदरवाइज इट विल बी लाइक यू स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग एंड देन ओवर द टाइम यू रियलाइज कि नाउ आई डोंट हैव मनी लेफ्ट और टाइम लेफ्ट टू कंटिन्यू वर्किंग ऑन दिस प्रोडक्ट एंड दिस इज स्टिल अनफिनिश्ड. सो विद प्रॉपर प्लानिंग यू ऑल्सो नीड प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ योर रिसोर्सेज, टाइम एंड एफर्ट्स. प्रोडक्ट प्लानिंग स्टेज पे आ गया, हमने उसको बनाना शुरू कर दिया है. नाउ when you are building it, another important thing is ki you should keep it in a way that it's scalable. Jo aapka code hai, that code should be properly maintained, documented, and it should be built in a format that you can reuse it or scale it with new options, new features in the coming versions. Agar aap initially is tarah se bana ke chal rahe ho use ki ek baar hum isko deploy kar dete hain, ek baar hum launch kar dete hain, then we will figure out ki baad mein kya hona hai. So you will not be able to actually scale it. So maintaining proper code formation and documentation is important. Aur uske saath mein, when you are serving it to the audience, when you are going it, making it public,
सो यू नीड टू फिगर आउट दैट यू हैव फिक्स्ड द ऑब्वियस बग्स. जब हम चाय बनाते तो हम शायद पहले एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि यार इसमें सब कुछ प्रॉपर अमाउंट में है, क्वांटिटी में है या नहीं है. द सेम थिंग अप्लाइज टू योर प्रोडक्ट्स एज वेल. जो ऑब्वियस चीज़ें हैं जो आपको डिफॉल्ट्स आपको यूज़ करने हैं, मेक श्योर दैट यू हैव द राइट क्वांटिटी ऑफ ऑप्शंस एंड एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्टली एज एक्सपेक्टेड. उसके अलावा कुछ और होता है तो यू विल फिक्स दैट आफ्टर द प्रोडक्ट इज रिलीज्ड. व्हेन इट कम्स टू सर्विंग द प्रोडक्ट, जो प्रेजेंटेशन वाली बात थी कि आपको ट्रे में लेके जाना है चाय को एंड सर्व करना है, द सेम थिंग अप्लाइज टू योर प्रोडक्ट एज वेल. इट शुड हैव अ प्रॉपर ब्रांडिंग एंड अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी. उसका हमें प्राइसिंग डिसाइड करना होगा, हमें ग्रोथ प्रोसेस क्या है वो डिसाइड करना होगा, और नेक्स्ट क्या आने वाला है उस फीचर उस प्रोडक्ट में वो डिसाइड करना होगा. इफ यू हैव हर्ड ऑफ दिस प्लगइन कॉल्ड सर्च WP एंड देयर इज अनदर प्लगइन कॉल्ड फैसेट WP, बोथ ऑफ दीज प्लगइन्स डोंट हैव अ फ्री वर्जन एंड दे सॉल्व अ स्पेसिफिक पर्पस, अ प्रॉब्लम. सर्च WP इज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ऑफ फिक्सिंग द डिफॉल्ट WordPress सर्च. Search WP improves your search abilities for your WordPress website, but it doesn't have a free version. So this is how the product has been positioned in the market. Ki mujhe is product ko free nahi rakhna hai. This product is going to solve a problem which is faced by a lot of users, and probably not everyone is going to use it, but whoever is going to use it will be happy to pay for it. So the product has been positioned in such a way that it has a good documentation, it has good pricing structure, and there are ongoing support updates as well. So Search WP is one example, Facet WP is another example. Facet WP is used for filtering your content. Aapka e-commerce store hai ya simple membership website hai ya listing website hai, you'll be able to use Facet WP to filter your content. Just like you see on any e-commerce website, you use different filter parameters like sizing, colors and material or the style or pattern. Similarly, you can use Facet WP on your WordPress website. So branding and marketing are the most important things which I feel which can help you either promote your product or it can go, all your efforts can go waste. Jab ek product launch hota hai, yeah, whenever you see in real life examples as well, even if a new mobile is launched, you see they make it grand. They make sure that everyone is aware of the new product in the market, and they try to like portray the unique features. Is product mein naya kya aane wala hai, how it is better than existing products. So whenever you are launching a new product, make sure that you pay attention to the branding and marketing part, because kai baar aisa hota hai ki developers us part pe lag kar jate hain. They feel ki hum kisi marketplace pe jate hain, we'll list our product there and we'll start selling it there, and then we'll figure out ki ye product kaisa chal raha hai, if it's working good, then maybe we can think of building a website and then start selling it on our own. But this might not be the right approach in all the cases. So it's better you research first, you figure out ki hamara jo audience hai wo kaun hai, target audience, and if we need to properly position it through a marketplace or through our website. Personally, I prefer that I would build a personal website for my product and brand it and market it that way. So I am avoiding market fee ki jo bhi fees hoti hai, licensing issues hote hain, jo commissions hota hai. And it's also easy to build credibility ki ye product is team ka hai ya is developer ka hai, aur usi pe aap sara ongoing support aur documentation maintain kar sakte ho. Next, after you have launched the product, market mein chala gaya product and everyone is using it, make sure that are not happy with it, they will not be able to use your product, and you will not be able to sell your product. So a proper onboarding process is important for your users. Whenever they are getting started with your product, make sure that you help them get started. Agar hum real life examples ki baat kare to, even if we get a new TV at our home, there will be someone from the TV company who will come to our place and give us a demo. Similarly, we will also have a user guide to get started with our TV or any other equipment that we are buying. So make sure that your users understand how to use your product and keep it easy for them to use your product. Finally, jab hum khana bana chuke hain, serve kar chuke hain, hum wapas clean karte hain table ko, and we move on to the next part, which is feedback. Whenever you are visiting a restaurant or you are going out with your friends, you will realize ki
खाना खाने के बाद में यूजुअली पीपल विल आस्क हाउ वाज इट. सो द सेम थिंग इज हाउ वाज योर प्रोडक्ट. नेक्स्ट, हाउ वाज योर प्रोडक्ट, हाउ डज इट टेस्ट, लाइक योर यूजर्स लाइक इट, इज देयर एनी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, डिड दे कंप्लेन अबाउट इट, क्या चीज़ें फिक्स कर सकते हैं हम. इट्स टाइम टू गेट फीडबैक फ्रॉम योर यूजर्स. सो मेक श्योर वॉट एवर फीडबैक यू आर रिसीविंग फ्रॉम योर यूजर्स यू टेक इट पॉजिटिवली. हो सकता है कुछ यूजर्स ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि हमें रिफंड चाहिए, आपका प्रोडक्ट यूजलेस है. डोंट गेट डिसअपॉइंटेड विद इट, जस्ट ट्राई टू फिगर आउट कि उस प्रोसेस में आप क्या कर सकते हैं. हाउ यू कैन आस्क योर यूजर्स लाइक वॉट इज द रीजन फॉर देयर रिफंड रिक्वेस्ट एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव ऑन योर प्रोडक्ट एंड हाउ यू कैन मेक इट बेटर फॉर देम. आफ्टर ऑल ऑफ दिस इज डन, प्रोडक्ट हमने बना लिया, बिल्ड कर लिया, सेल कर दिया, फीडबैक ले लिया, व्हाट्स नेक्स्ट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट्स नेक्स्ट. एवरी प्रोडक्ट हैज अ लाइफ साइकिल. इट स्टार्ट्स विद एन आइडिया, इट ग्रोज, इट मैच्योर्स एंड देन यू सी अ डिक्लाइन फेज. यू सी अ डिक्लाइन फेज, दिस इज इंपॉर्टेंट टू स्टॉप दिस डिक्लाइन फेज. अगर हम फेसबुक की बात करेंगे तो फेसबुक स्टार्टेड विद बेसिक फीचर्स, बट ओवर द टाइम इट कैप्ट इम्प्रूविंग, इट कैप्ट इम्प्रूविंग, इट एडेड न्यू फीचर्स. आपको फोटो शेयर करना है, ओके लेट्स स्टार्ट फोटो शेयरिंग ऑन फेसबुक. आपको वीडियो शेयर करना है, लेट्स स्टार्ट वीडियो शेयरिंग ऑन फेसबुक. यू वॉन्ट टू गो लाइव, लेट्स स्टार्ट दैट फीचर एज वेल. बट नाउ वॉट्स नेक्स्ट, एवरीथिंग इज डन फॉर यूजर्स, वॉट्स नेक्स्ट. नाउ लेट्स इंट्रोड्यूस फेसबुक फॉर बिजनेस. सो नाउ बिजनेसेस कैन यूज दोज फीचर्स विच यूजर्स वर यूजिंग टू इंटरेक्ट विद देयर कस्टमर्स. So the same thing applies to your product as well. If you have built it, if you have taken it to a level where you feel like there's no more scope for development, you need to figure out what can be done next. If you are building a plugin, you need to figure out, can I build another plugin which will coexist with this plugin? If I am building a theme, can I build a plugin which will coexist with my theme? Or can I build another plugin or a theme which will coexist with my theme? Or can I build a set of products which will be used by every WordPress agency or a freelancer? So that's how you need to figure out that building a product is not important. You need to figure out what is going to be the life of that product. So that's all from my end.